सो है एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा पोकेमॉन वर्ल्ड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में भाई मुझे मिला है शाइनी रायक्वाजा, तुम शाइनी रायक्वाजा बोल सकते हो उसको। एंड उसको हमें मुझे मतलब वो मुझे मिला है अलोला में। वहाँ पर मैंने जो बोला था ड्रैगन वाला आइसलैंड मेरा अनलॉक हो चुका है, मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। ड्रैगन फोर आइसलैंड, उसका नाम क्या है भाई, ड्रैगोनियम जेट आइसलैंड, ये मेरा फोर अनलॉक हो चुका है, जहाँ से मैं थोड़े बहुत एसआर पोकेमॉन कैच कर रहा हूँ। लेकिन अभी तुम देख सकते हो मेरे पास पोकेबॉल्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो इसलिए मैं अभी कैच नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन रिसेंटली मतलब आज ही मैंने कुछ टाइम पहले वहाँ से कैच कर लिया था गार्चॉम्प, मैं मतलब मेगा गार्चॉम्प और रायक्वाजा। तो या अभी मैंने बचा के रखा है, मैंने सोचा कि वीडियो में ही इसको शाइनी करेंगे। एंड साथ ही साथ मैं अभी करने वाला हूँ स्पिन, क्योंकि भाई कितनी देर वेट करेंगे। हाँ, मैं बीच बीच में स्पिन करता रहता है, जो कि मैं तुमको दिखाता नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं स्पिन करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, और एक जिम बैटल भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको देख लेना पूरा वीडियो एंड तक देख लेना। और यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट मैंने पास के जितने भी थे उन्हें कंप्लीट कर लिया, अभी एक आध मिशन बचा है, बस एक ही मिशन बचा है। एंड ये भी मैं कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ, मुझे पता चला है कि भाई ये ना नेक्स्ट टाइम के लिए बचा के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी तुम्हारे पास ये बॉय लेग वगैरह आ जाए तुम उसको कंट्रीब्यूट कर दिया करो, जैसे कि मैंने अभी गलती से कर दिया है, ठीक है। एंड ये इसमें जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो भाई मिलते हैं ये लास्ट के टाइम पे, मतलब अगर तुम्हारा लेवल 5 हो गया तो तुम भाई ये सब मिलेंगे, एंड लेवल 6 में ये सब मिलेंगे। एंड प्लस यहाँ पर भी कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे मैं अभी बी ग्रेड पे हूँ तो मेरे को डोनेशन पे शायद 200 कॉइंस मिलेंगे, ऐसा ही कुछ है। एंड ये तो भाई लेवल के ऊपर है, जब लेवल इंक्रीज होगा तो कितना मिलेगा वगैरह वगैरह। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है, इसमें तुम बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हो, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था। एंड यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ क्या लूँ, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। कल का मैंने ले लिया था आई नो, एंड आज का मैंने अभी तक लिया नहीं है। ये क्या करते हैं भाई, HP ओके परमानेंट, तो ये HP इंक्रीज़ कर देगा 500, तो मैं सोच रहा हूँ इसको ले लूँ क्या। फिर इसको लेने से भी फ़ायदा है, HP इंक्रीज़ होगा 500, मतलब ठीक ठाक है, अभी गरीबी में आटा गीला बोल सकते हो तुम इसको। तो चलो पहले अपना जो रायक्वाजा है उसका नेचर दे देते हैं। एंड उससे पहले भाई इंडिविजुअल वैल्यू रिसेट करना है, जो कि मुझे 110 का मिला है, और भाई 3K के आसपास CP इंक्रीज़ हुआ है। एंड अभी मेरा हो गया है 5,08,000, मतलब 508K। एंड और थोड़ा सा करते हैं भाई, क्या करना है, मेन जो चीज करना है वो तो हमने किया ही नहीं ब्रो। यहाँ पर आना है एंड कर देना है बूम ओके। लेवल 1 का ही मिला है मुझे पता है, लेकिन भाई मेगा रैक वाला दिखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। एंड और क्या करना है, हेल्ड आइटम के ऊपर मैं हेल्ड आइटम नहीं भाई, जो TM है यहाँ पर तुम देख सकते हो रेड है, इसके ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो लाऊंगा, मतलब हाँ मैं उसके लिए कलेक्ट कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पर जाओगे बैग में एंड यहाँ पर मटेरियल में जाऊँगा मैं, एंड थोड़ा नीचे जाने के बाद तुमको यहाँ पर दिख जाएगा कि 999999999 एंड 571 या इतने मेरे पास CD है। एंड मैं ये और थोड़ा कलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि एक ही बार में मैं एक बहुत ही अच्छा सा दिखा पाऊँ तुमको वीडियो। यहाँ पर अगर मैं गियर में जाऊँगा एंड हेल्ड मतलब TM में जाऊँगा, हेल्ड आइटम में नहीं सॉरी, तो यहाँ पर देख सकते हो तुम रॉकलेस है ग्रीन कलर का 2 एंड एक नॉर्मल वाला भी है। तो या मुझे इनमें से एक को भाई कम से कम ऑरेंज तक लेके जाना है, क्योंकि मेरे पास ब्लू है, पर्पल नहीं है, ऑरेंज भी नहीं है, तो मुझे अभी पर्पल की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मुझे डायरेक्ट चाहिए ऑरेंज, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी सोच रहा हूँ क्या करूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल के जमा कर रहा हूँ। तो यार बातें बहुत हो गई, एंड अभी चलते हैं डायरेक्ट स्पिन की ओर, एंड सबसे पहले तो स्पिन करेंगे एंड बाकी बात में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर विश लिस्ट ओपन नहीं है, लेकिन हम 73 यहाँ पर स्पिन करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि भाई क्या हमें कुछ अच्छा ड्रैगन टाइप मिलता है, मतलब हाँ ड्रैगन टाइप मिलना थोड़ा सा मुश्किल है इस बार। इसके पहले जिस सर्वर में खेलता था भाई वहाँ पर मिल जाते थे, ठीक है, ड्रैगन टाइप, क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा था भाई। भाई भाई क्या लक है, क्या लक है ब्रो। चलो कोई बात नहीं, ये सब सेंड करना ज़रूरी है, क्या इतना थर्ड क्लास लक कौन ही शो करना चाहेगा। यहाँ पर मैं एक और स्पिन कर रहा हूँ ओके,
ये सर भाई मेगा प्रेप 2 का ये जो मिला है वो सिर्फ काम का नहीं है। तो यार एक और कर लेते हैं स्कीप। डार्क क्राई मिला है, मेगा प्रेप 3 गैराडोस मिला है। ओके गैराडोस शायद मेरे पास मैक्स लेवल वाला होगा आई थिंक, मुझे याद नहीं है। एक और करते हैं, सारे के सारे SR ही मिल रहे हैं, SR तो इतनी जल्दी मिलेगा करके मुझे लगता नहीं है। ये और 33 करना है, उसके बाद जाके बोल रहा है कि SR मिलेगा। ठीक है अभी तो सब फालतू के ही मिल रहे हैं, स्किप हो जा। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मेगा प्रेप 2 मिला है भाई, जो चाहिए उसका नहीं मिलता है। ठीक है जो नहीं चाहिए वो भाई भर भर के मिलता है। और क्या मिला भाई, बैड लक। ओके या बैड लक मिला है, नहीं नो 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 भाई इस बार मैं सेंड वगैरह नहीं करने वाला, डायरेक्ट भाई करो डायरेक्ट। और ओके तो यहाँ पर मुझे गार्चॉम मिला है, हाँ उसका नेचर थोड़ा अच्छा हो सकता था बट इन्होंने अच्छा नेचर दिया नहीं है ना, तो अभी 1-1 करके करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बस 3 ही ओपन करना है एंड उसमें मुझे एक मिल जाएगा। ये दूसरा है एंड मुझे लगता नहीं इसमें कुछ अच्छा मिलेगा। एंड ये फाइनल वाला है जिसमें हमें मिलने वाला है एक SSR पोकेमॉन। ओके हो नहीं मुझे लगा ही था कि भाई कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि तुमने अगर पिछला मेरा स्पीड देखा होगा तो उसमें भाई ड्रैगन टाइप मिलने के चांसेस ज़्यादा थे और उसमें मुझे दो दो हो मिले थे। ठीक है तो अभी सोच ही सकते हो तुम लोग मेरा नसीब कितना ज़्यादा ख़राब है। एंड हो की अगर मैं बात करूँ तो तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने हो को भी भाई 7-star कर दिया है एंड यहाँ पर मेरे पास एक और हो आ गया। हाँ मुझे ट्रेनर लेवल इंक्रीज करना है आई नो बट उसकी मुझे इतनी जल्दी नहीं है, मुझे ड्रैगन टाइप टीम चाहिए था। मुझे ने सोचा था भाई ड्रैगन टाइप कुछ मिल जाएगा सही रहेगा बट कोई ना, वैसे मैं एडवेंचर कंप्लीट करके कुछ और कलेक्ट कर लूँगा, इसमें अभी भी 1 दिन 15 घंटा बाकी है तो भाई तब तक मैं कर लूँगा। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मेरा जो रेनबो पोके क्वाइन है वो अभी 14 है, तो या इसको करने में अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। एंड अभी मैं क्या करने वाला था मैं अभी मुझे देना है इसको थोड़े बहुत नेचर क्योंकि फ़िलहाल के लिए देखो अभी मैं इसको अपग्रेड तो कर नहीं सकता, मतलब स्टार अप तो कर नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत इसको नेचर देख के ही रखते हैं ताकि या थोड़ा बहुत CP अपना बूस्ट हो जाए। और यहाँ पर 512K मतलब 512K CP हो चुका है अपना और मेरे पास कुछ चाइल्ड आइटम भी है अपग्रेड करने के लिए जो कि मैं करने वाला हूँ। ठीक है क्योंकि मेरा रायक्वाज़ा ओके 77 तो इसमें कुछ हेल्ड आइटम है कि अपग्रेड करने लायक, ये वैसे तो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ एंड ये यूज़फुल है क्या। ओके ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है मुझे लग रहा है तो क्यों ना मैं आज इसको अपग्रेड कर ही दूँ मैक्स लेवल पे। ओके इतना ज़्यादा CP इंक्रीज नहीं हो रहा था, ठीक है बहुत ज़्यादा CP इंक्रीज नहीं हो रहा था तो चलो ये कम से कम आ तो गया 79K के आसपास। एंड यहाँ पर मुझे ये करना है 8% वाला HP। ओके तो इसको कर देते हैं थोड़ा बहुत एंड या कुछ खास इंक्रीज हुआ नहीं है बट कोई बात नहीं, यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ एंड अपना फाइनल CP तुम देख सकते हो 514K। एंड अभी एक बैटल करना बच रहा है मेरा वर्ल्ड बॉस में, मैंने वैसे कर दिया है बैटल एंड वर्ल्ड बॉस वाला वीडियो मैंने तुमको अभी तक दिखाया नहीं है आई नो, मैंने रिकॉर्ड करके रखा है बट अभी तक मैंने दिखाया नहीं है। ठीक है यहाँ पर जैसे मैं हो पे क्लिक करता हूँ मेरा रैंक जो है करंट रैंक वो 7 है एंड मैंने जो डैमेज दिया है अगर मैं तुमको वो दिखाऊँ तो कहाँ पर है डैमेज, तो मैंने दिया है 9.5 मिलियन डैमेज तुम देख सकते हो जबकि मेरा CP जो है वो 5 लाख है और मैंने 9.5 मिलियन डैमेज दिया है भाई। ड्रैगन टीम OP है, ठीक है ड्रैगन टीम OP है। अगर मैं म्यूटू वाले वर्ल्ड बॉस पे अटैक करता तो भी कम से कम 5-6 मिलियन डैमेज हो जाता था क्योंकि मैंने पहले भी कर रखा है उस पर डैमेज। एंड अभी एक बैटल करते हैं, मेरा पोजीशन जो है 8th पोजीशन है एंड मुझे जाना है भाई 4th नंबर वाला किधर है, ये 6th नंबर वाला बंदा है जो कि मेरे ही लेवल का है एंड इसके बीच में मैंने 7th नंबर के बंदे को डिफीट कर दिया है एंड मुझे लग रहा है कि भाई हम नहीं जा पाएंगे टॉप 5 में। ठीक है टॉप 5 में जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है तो यार चलो इसके ऊपर इसके साथ फाइट करते हैं एंड देखते भाई क्या हम जीत पाएंगे। ओके तो यहाँ पर मैंने अटैक कर दिया है एंड गार्चॉम को छोड़ू कि पकड़ू, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि
इस बार ना हमें इसके जो है ग्राउंड रन को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसका सीपी थोड़ा सा कम है। एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं रायकवादा लेके आऊँगा बच्चे का, ओके सो बच गया है, तो हाँ ये थोड़ा यूनाइट मूव तो यूज़ कर ही लेगा। एंड क्योंकि उसका दूसरा पोकेमोन भी यूनाइट मूव यूज़ कर चुका है, तो भाई अभी हम एक साथ दो पोकेमोन को समन करेंगे। एंड समन, ठीक है, हाँ समन, एंड एक पोकेमोन का बैंड बजाएंगे एंड वो कौन होगा। ओके सो ये पोकेमोन, एक साथ दो पोकेमोन तो खत्म होने वाले, आई थिंक तीन पोकेमोन खत्म होने वाले एक ही बार में। यहाँ पर मैंने मेगा रायकवादा से अटैक किया, ओके नहीं हुआ भाई, मेगा गार्चोम बचा कैसे? मैं सोच रहा था कहाँ एक साथ तीन तीन बंदे को ख़त्म करेंगे। एंड भाई ओके शैडो की एबिलिटी भी किसी काम का नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं है। अभी अपना जो ये है डीओडी, क्या नाम है इसका भाई, मैं हमेशा भूल जाता हूँ इसका नाम क्या है भाई। मैं फ़िलहाल के लिए म्यूटू को वाइड में भेजने वाला हूँ और इसके मेगा गार्चोम को संभालने वाला हूँ, क्योंकि कोई भरोसा, ओके या यही होना था, आई नो इसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा भाई, मेगा गार्चोम पे। एंड उसको ये क्या था भाई, ये क्या था, एक साथ दो बंदे ख़त्म, नाइस नाइस, ओके तो एक साथ दो बंदे ख़त्म हो चुके हैं। एंड अभी मैं लाने वाला अपना मेगा गार्चोम को, एंड सबसे पहले तो इस बंदे को भाई वॉइड में भेज के देखेंगे कि क्या ये एक ही बार में ख़त्म हो सकता है, क्योंकि हाँ इसके पहले नहीं, एक ही बार में ख़त्म नहीं हुआ है एक अटैक में, तो आई थिंक अभी ख़त्म होने वाला है। तो या गाइस इसका जो मेन पोकेमॉन था, ये स्टार्टिंग के कुछ पोकेमॉन ही थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, एंड उसके बाद वाले पोकेमॉन मतलब ऐसे ही नॉर्मल वाले ही थे, समझ सकते हो तुम। एंड यहाँ पर आज हम फिर से फ्लोर 6 पे आ चुके हैं, एंड मुझे पता नहीं कि मैं कब कब 1-3 में पहुँचूँगा, ठीक है 1-3 में पहुँचना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। एंड ये बाजू वाले में तो मैं जाता ही नहीं हूँ कभी, वर्ल्ड जिम छोड़ दो, मैं कभी जाता ही नहीं हूँ, ठीक है वर्ल्ड जिम में, तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक मिनट में तुमको अपना रैंक दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर मैं टॉप 100 पे तो हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि टॉप 10 में अभी फ़िलहाल के लिए मिल नहीं रहा है रिवॉर्ड। एंड शायद सीज़न 2 के बाद से या 3 के बाद से टॉप 100 को भी कुछ रेनबो डायमंड्स मिलना चालू हो जाएंगे, अभी तो फ़िलहाल टॉप 20 को ही मिल रहा है। एंड टॉप 20 में अगर मैं तुमको दिखाऊँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो टॉप 20 में साबूज बैठा है, ठीक है, जिसका सीपी भाई 6 लाख के ऊपर है। एंड अपना सीपी अभी तक 6 लाख हुआ नहीं है, तो अपन भाई कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ बैक, एंड उसके बाद हम फेस्ट में जाएंगे, क्लेम कर लेंगे ये सब। या यहाँ पर हमें मिल चुका है, तो अभी अपने पास टोटल 19 है, क्योंकि एक हमने स्पेंड कर दिया था। और रिवॉर्ड में जाके थोड़ा अपना डोनेशन रैंकिंग देखेंगे, अपना डोनेशन ओके, मुझे लगता नहीं कि मैं आसपास भी हूँ 700 के, क्योंकि मेरा कुछ 400 के आसपास हुआ था, ओके 420 मेरा जो है कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। एंड अभी ये पूरा 90 करेंगे एंड देखेंगे कि भाई कितना होता है, ओके इतनी जल्दी हो गया 90 भाई, कितना ज़्यादा डोनेशन किया मैंने एक बार में, कितना किया होगा आई डोंट नो। रिवॉर्ड पे फिर से क्लिक करेंगे, डोनेशन रैंकिंग पे जाएंगे, एंड भाई नीचे देखते हैं, ओके या तो अभी अपना जो पॉइंट है वो है 800, एंड अभी हम अभी भी 4 पे ही है, ठीक है। हालांकि मैं ये डिजर्व करता हूँ भाई, सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस पे डिजर्व करता हूँ, मेरा भी 800 है इनका भी 800 है, मतलब फ़र्क तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी 4th नंबर पे हो, कोई बात नहीं चलता है। एंड तुम लोग बताओ कि एक्सचेंज हाउस में से मुझे क्या लेना चाहिए। वैसे तो मैं ये प्रोफाइल का जो अवतार है ये भी ले सकता हूँ, मतलब फ्रेम। एंड साथ ही साथ हम ले सकते हैं नीचे जाके इलीट डिट्टो, उसके लिए मुझे कुछ और कलेक्ट करने पड़ेंगे, या फिर अल्ट्रा बॉल ले सकता हूँ मैं, कम से कम 10 तो अभी ले ही सकता हूँ, जिससे कि मैं एक मेगा गार्चोम पकड़ लूँगा इसीलिए। आई थिंक मेरे पास जितने हैं उसके साथ अगर मैं 10 और मिला दूँ तो एक मेगा गार्चोम पकड़ ही सकता हूँ। या फिर हम ले सकते हैं ओर शार्ट, फिर एडवांस सीडी राइडर है जो कि ऑब्वियसली कुछ में ज़्यादा ही महंगा है, या फिर हम ले सकते हैं इंटरमीडिएट सीडी राइडर, ये भी ले सकते हैं, ये भी बहुत काम का चीज़ है, या फिर हम डायरेक्ट नॉर्मल वाले सीडी राइडर ले सकते हैं जो कि जिसका लिमिट है 999, नहीं अपने पास है 999, ठीक है। और यहाँ से हम बस 20 स्टॉक ले सकते हैं, मतलब अराउंड 2000 के आसपास सीडी राइडर ले सकते हैं।
सो या गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप कि तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल न्यू हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड फिर मिलता हूँ मैं तुमको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।